हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत हो आप लोगों का हमारे ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे हो हैं। तो हम आप लोगों की दुआ से अच्छे हैं भैया। तो हम जा रहे हैं आज इटावा भाभी के संग। तो भाभी लिवाए जा रही हैं घुमान। तो भाभी हमें लिवाए जा रही हैं इटावा गार्डन घुमान। तो बने रही हो मेरे ब्लॉग में एंड तक, ठीक। और भैया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लियो करो। जो लोग नए नए हैं, जो नहीं करे चैनल सब्सक्राइब, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लियो करो। खूब मेरे घर पानी छुआ, देखो मेरे कपड़ा कैसे डरे है, खटियन पर डार के सुखाए रहे इतने से छप्पर में, देख सका था आप लोग। यही मैं लगाए दही है तो दाल बनाए दही है तो उसी पानी निकल जाता है। अच्छे अच्छे कमेंट करो करो भैया, कोई गलत कमेंट ना करो करो। हमने कहा ना ही कछू बिगाड़ो है, अब कब कछु बिगाड़ो है तो कमेंट करके बताए दो कि यो बिगाड़ो है, ठीक। चैनल सब्सक्राइब कर लियो। तो हम जा रहे अब पालो गाय समझाए रहे गार्डन घूमन। पालो गाय समझाए रहे इटावा भाभी के संग गार्डन घूमन पूरा रोड। आप लोग देख सका था यही रोड से जा रहे और जब गाना पे डांस बहुत अच्छे अच्छे कर लेते डांसर है। अब दिखाइए इनको डांस, अब डांस करवाए। आप लोग बने रहियो ब्लॉग में, हम इनको डांस दिखाए। इन पे आओ चाह रहे, देखो आ चुके है। तो जे रहे देखो जा जगह आप हमाओ चाहते तो आ चुके हैं। ये है कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन यहाँ लिवा ले आई। ये सालों पुराने बरगद का पेड़ है। सालों पुरानो बरगद को पेड़ हुआ है। यहाँ बरगद आई हम उसका पूजा भाई धागा बंधो हुआ, देख ले बैठे हो तो नहीं कोई बैठ ले हुआ है। बैठा हुआ जाई था बैठ लो, बैठना नहीं बैठियो 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 ना कहीं सही है आपके अपने स्टाफ में हो? अरे नहीं आपके स्टाफ में पुलिस स्टाफ की नौकरी कहाँ धरी अंगूठा टेक वाले को है। भाभी तो हमारी पड़ी है भैया, हम तो बनाए नहीं, किस्मत में है नहीं नौकरी। ऐसे ना कहा शायद भगवान कहूँ कहूँ चपका है देव है आपको। हाँ बेटी इटावा की हम जिले फिले काटे में तब नौकरी मिल गई, लेकिन घर में लिंग पावर बहुत हैवी है। आपके पूर्व सांसद जो प्रेमदास कठेरिया है मैं उनका रियल भांजा हूँ। अब हमारा बड़ा बेटा एमटेक करने के बाद में इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में। छोटा बेटा हमारे बीटेक क्रॉस है, टेक क्रॉस है, सुपर का इंतजार कर रहा। बेटी हमारी बीएससी नर्सिंग कर रही है आगरा। अच्छा, यही चपरासी की नौकरी बिटिया बच्चे पढ़ा दी। चलो बढ़िया, हमने तो नहीं पढ़ा पाए, हमारी मैडम ने पढ़ाई, हमें जैसी मैडम मालिक सबको दी, अनपढ़ औरत ने अपने बच्चे पढ़ा दिए। सही बात है। और हम लोग तो सुबह निकल आए शाम को जाते हैं, मैडम की बढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो, मतलब सबको करनी चाहिए। सही बात है, लोग होते हैं नहीं करते। हाँ सही बात है बिल्कुल। हमारी छोटी बहू एम बी एड है। अब यही कष्ट होते भैया ने बच्चा पढ़ा ले, भैया ने भैया का नहीं करे तुम अपना बच्चा पढ़ाओ तो एम बी एड है। सही बात है, हमारे घर से तो अनपढ़ थी, उन्होंने तो अपने बच्चे पढ़ा दिए बिल्कुल। दूरा भैया इटावा वालो रोड अंदर देख ले हो, दूरा इटावा वालो रोड। ऐसी चलता हम जा रहे हैं गार्डन। तो गैस आप लोग देख सका था बरगद कितना तो भारी पेड़ है, देखो बहुत सौ साल पुरानो बरगद को पेड़ है जो, तो देख सका था कितना तो अच्छो लग रहा हो है। और यहाँ बरगद आई अमास के बहुत अच्छी जगह पूजा होत करे, सब लोग आप करे बरगदा पूजन, देखो बढ़िया। और जे यहाँ देख लियो जो तो आप लोगों को हमने दिखाई दो है जहाँ कितनी बढ़िया लोकेशन है। आप लोग यहाँ आ सका था, खूब वीडियो बना सका था, लेकिन 5 बजे के बाद खाए के मारा 5 बजे के बाद यहाँ खुलत है वो ताला, अब परो है ताला,
5 बजे के बाद खूब अंदर जाओ, घूमो फिरो, खूब ब्लॉग बनाओ, और हम तो 5 बजे तक चले जाइए घर है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है, आप लोग देख सका था कितने अच्छे अच्छे पौधा हैं। देखो बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम खजूर जैसे पेड़े हैं। अब आप लोग बता सकते काय काय के पेड़े हैं, हम तो भाई नहीं बता सकते, हमें तो कछु याद आत कछु आते ही नहीं है। देखो अच्छो लग रहा, बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई। अंदर जाए बेखलाना गैलरी, देखो आप लोग देख सका था। तो देखो गुड़ैल को पेड़ों कितने अच्छे फूल हुआ, फूल कितने अच्छे लग रहे हैं जाके। देखो कितो बढ़िया लग रहा हुआ, अभी तो ताला परो है ना, आप लोगों को दिखाते अंदर जाए के, बहुत अच्छा ताला डरो है। और ताला के बाद बहुत अच्छी लोकेशन है, गुड़हल को फूल हो कितो बढ़िया फूल हुआ, देख सका था आप लोग। बहुत अच्छा भीतर बहुत अच्छा लगत एकदम मस्त। आप लोग आए देखें और वीडियो बनाए खूब, और जा रही देखो अंदर जाएबिन के लाए भी देख रहो, बढ़िया अच्छी लोकेशन है। आप लोग बता सकते कितो अच्छा लग रहा हुआ है, बहुत सुंदर लगा था। जब आप लोग आई हैं दिखे हैं तब बहुत ही अच्छो लगे, तब आप लोग वीडियो बनाई हैं जाम है। हम तो भाई पहले दाएँ आए हैंगे, थक जात चलत चलत, वैसे उन्हें ज़्यादा काम वाम कर पात हैंगे, शरीर में दिक्कत हो रही है, पेट में प्रॉब्लम, आप लोगों को पता ही है फिर दिक्कत होने लगी। तो भैया हम आ चुके इटावा स्टेशन पर, तो देखो जी आए अरुण भैया, छोड़ा ना मैं, बहुत जोर घाम हुआ एकदम निकरिया चिलका हुआ गाँव। अच्छा दीदी पहुँच जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ना कोई दिक्कत ना है, पहुँच जाए हैं भाई, बहन की इतनी ख्वाहिश है भैया को देख लियो ना। तो हम बताओ लिवाए चला घर वापस? वापस अच्छा ना लिवाए चला, तुम्हारी भाना जी घर है भैया किल्ली है, भान जो फिर वे का करे हैं, उन्होंने बुलाए लिया, उन्होंने बुलाए लिया, चलो आपकी दाम लिवाए कही है दो जनन का, तुम आइयो ताके बाद, अब तुम्हारा नंबर है, परसों दरसों आए हैं। हाँ वहाँ देखे को मन भाव, हमें सोई हम चले आए। दीदी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोगों ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इटावा स्टेशन पठाड़े हैं भैया, गाड़ी टाइम हैगो गाड़ी आ जाए बस, जा रही देखो इटावा स्टेशन, आप लोग देख सका था जो है इटावा स्टेशन पठाड़े आएंगे, अब गाड़ी आ जाए बस, सोई चलते बना सीधे उतर आए जा फपूंद स्टेशन। जो इटावा वाले लोग अरियारी जाओ चाहते हैं, वे सीधे इटावा से बैठे फपूंद स्टेशन के लिए टिकट कटा है, फपूंद स्टेशन उतरा, फपूंद स्टेशन तय था बस, सीधे अरियारी के लिए टेम्पू बैठ ला, सीधे अरियारी पहुंच गया। जब अरियारी पहुंचा तो कह दियो मेरा राधा घर जाने है, तो राधा घर अरियारी बाजार में मेरो घर है, रोड पे पूछ लियो लड़का घर भीतर कर दिए, कोई दिक्कत ना है भैया, देख लियो कितनी चाहता कर रहे हैं, ठंडो पानी लेके आए गए हैं, पानी पी लो आप सभी भी, गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ तो बात सही, गर्मी तो बहुत तेज है, धमका है। हाँ। तो दो लोग आ जाओ भैया, सब लोग दोनों भैया पानी ले आए हैं, सब लोग आ जा पी जाओ आए क्या ठंडो ठंडो पानी। देखो ट्रेन में भीड़, ट्रेन आ चुकी है, तो भैया हम बैठ चुके ट्रेन में, भीड़ कितनी तेज है देखो, सब भरी सवारी, सब लोग ठाड़े कोई बैठे, पैसेंजर है, पैसेंजर तो ऐसे ही हो। गैस तो आ चुकी मेरी फपूंद स्टेशन दिलियापुर, अब हम उतरे हैं, जो देखो गाड़ी है गई बिल्कुल खाली, देख रहे हैं आप लोग आराम चले आए, इंटरसिटी है एकदम सुपर। आ चुकी है फपूंद स्टेशन, अब हम ही उतरे हैं, अब हम उतरन जा रहे हैं, उतर चुके आए गए फपूंद स्टेशन, उतर गए आए क्या भैया, कितनी भीड़ है देखो, गाड़ी भरी जा रही एकदम, किसी भी याद है गाड़ी, हमें आराम बहुत मिला था संजा टाइम, लेकिन आओ तो भीड़ कम मिला था, वैसे बहुत भीड़ होत है कि उतर गए हम तो भैया, अब जा रहे अपने घर है, आ जाइयो मिलन, अब जो कोई आए कल तक घर नहीं आते, सोच ही देती भैया के देख के लौट रहे हैं आ नहीं, लेकिन फिर आने ही नहीं दो, तब मजबूरी में रुकने पर हो, तो हमने की अब आज संजा कहूँ लौट चलें घर है, तो आए गए आएंगे, अब बस ऑटो पकड़े हैं सीधे यारी पहुँच गए हैं, देख लो फपूंद स्टेशन जई है, सब लोग यही उतर जाओ करो, आएगा फपूंद स्टेशन नाम तो टिकट ले करो, और यहीं उतर जाओ करो बस, ही जीना के पास मिलत ऑटो, माता कह दो हम जाए अरियारी, बस अरियारी उतर जाइ आराम तक बस।
अरे यार ये उतरा सोई रोड पर पूछ ले हम राधा घर आ जाइए सीधे घर आए जाइए परेशान नहीं होने परे है। हम जही सोचा था कि कुछ लोग भैया परेशान ना हो जो आ था बेचारे भटका फिर रात तो ना भटका हो ना पर हम बस यही सोच रात गैस जब जीना सुतरे हैं तो जा रही परमहंस बाबा की बगिया जब देख सका था आप लोग बस यही उतर गए करे आराम था जे ये नाइट वही मिल जाओ करें जा देखो परमहंस बाबा का बगिया है और जे ठाड़े ऐटो देखा अब हम दिखाए रहे बस यहन पकड़े बस सीधे घर है बिल्कुल नहीं परेशान वहाँ पर कता ही देखो कितनी लंबी भीड़ कितनी अच्छी लोकेशन लग रही आप लोग देख सका था अच्छी लोकेशन लग रही बहुत एकदम मस्त वीआईपी। तो हेलो गाइस अब हम आ चुके हैं घर है गए अते काना इटावा भाभी लिवाए गई थी अब हम आ गए हैं घर है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दी। बाय बाय टाटा।